हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल नॉलेज टेल्स। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम करेंगे प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 3.0 पर डिस्कशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये जो योजना है ये बेसिकली 2015 में लॉन्च की गई थी और ये जो अभी रिसेंटली लॉन्च हुआ है प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 3.0, ये उसी स्कीम का एक अपग्रेडेड वर्जन है, ठीक है, उसका एक थर्ड फेज है। इसे लॉन्च किया गया है महेंद्रनाथ पांडे, जो कि हमारे यूनियन मिनिस्टर हैं स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप के। ओके, इस स्कीम के अंतर्गत 8 लाख कैंडिडेट्स को ट्रेनिंग दी जाएगी और इसकी जो ट्रेनिंग का जो स्कीम पीरियड होगा वो है 2020 से 2021 तक। ओके, एंड विद एन आउटले ऑफ 948.90 करोड़ बाय प्रोवाइडिंग शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग एंड रिकॉग्निशन ऑफ प्रायर लर्निंग। ओके, इसमें क्या होगा कि एक शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी और ट्रेनिंग जैसे ही कंप्लीट होगी तो उसके लिए आपको एक रिकॉग्निशन, एक सर्टिफिकेशन भी मिलेगा। ओके, ये एक्चुअल में ये है क्या, इसे हम अभी आगे डिस्कस करेंगे। इट फोकसेस ऑन डिजिटल टेक्नोलॉजी एंड इंडस्ट्री 4.0 स्किल्स। ओके, अब देखिए क्या है कि आजकल जो हमारे यूथ है जिनके पास ट्रेनिंग नॉलेज तो है उन्हें, लेकिन उनको जॉब क्यों नहीं मिल पाता है, क्योंकि उनके पास टेक्नोलॉजी जो आजकल हमारी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी चल रही है उनके पास उसकी इतनी अच्छी नॉलेज नहीं होती है। तो इस स्कीम के अंदर वही नॉलेज उनको प्रोवाइड की जाएगी, ठीक है, कैसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को यूज करना है, ठीक है, टू ब्रिज डिमांड सप्लाई गैप बाय प्रमोटिंग स्किल डेवलपमेंट इन एरियाज ऑफ न्यू एज एंड इंडस्ट्री 4.0 रूल्स। ओके, तो वही जो मैंने आपको पहले बताया कि तो इसमें डिमांड सप्लाई गैप को ब्रिज किया जाएगा, स्किल डेवलपमेंट को प्रमोट किया जाएगा, किन एरियाज में, यही डिजिटल टेक्नोलॉजी, न्यू एज जो हमारा जो आजकल चल रहा है लेटेस्ट टेक्नोलॉजी उसमें। ओके, आई होप इट इज क्लियर टू यू। नाउ सेंटर ने इसको इजीली इंप्लीमेंट करने के लिए क्या किया है कि डिस्ट्रिक्ट स्किल कमिटीज, ठीक है, ये इनको इंप्लीमेंट करवाएंगी बेसिकली, और किसकी गाइडेंस के अंडर, स्टेट स्किल डेवलपमेंट मिशन के अंडर। ओके, इट इज डिमांड ड्रिवन स्कीम विद बॉटम अप अप्रोच टू आइडेंटिफाई एंड मैपिंग जॉब रोल्स। ओके, ये डिमांड ड्रिवन स्कीम है और बॉटम अप अप्रोच ये फॉलो करेगी ताकि जो जॉब रोल्स है किसको इजिली लोगों को जॉब मिल पाए, ठीक है, जितने भी हमारी यूथ है उस पर इनका मेन फोकस रहेगा। ओके, आई होप इट इज क्लियर टू यू। 729 प्रधानमंत्री कौशल केंद्र विल एनरोल नॉन PMKK ट्रेनिंग सेंटर्स। ओके, तो ये एनरोल करेंगे उनको, ये 729 प्रधानमंत्री कौशल केंद्र है, नॉन प्रधानमंत्री कौशल के जो केंद्र है ट्रेनिंग सेंटर्स उनको। ओके, इट इज लॉन्च्ड इन 600 डिस्ट्रिक्ट्स, मोर देन 200 इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स अंडर स्किल इंडिया विल बी रोलिंग आउट PMKVY 3.0 टू मेक अ रोबस्ट पूल ऑफ स्किल्ड प्रोफेशनल्स। ओके, तो इतने सारे जो ट्रेनिंग जो इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, ये जो 3.0 स्कीम है इसको स्टार्ट करेंगे ताकि ज्यादा से ज्यादा हमारे पास स्किल्ड प्रोफेशनल्स आ पाए। ओके, ऑन द बेसिस ऑफ लर्निंग गेट फ्रॉम PMKVY 1.0 and 2.0, the ministry has improved the new year version of scheme to match the current policy doctrine and energize the skilling ecosystem affected due to COVID-19 pandemic. के वजह से हम सबको पता है COVID-19 की वजह से काफी ज्यादा लॉस हुआ है, काफी अनएम्प्लॉयमेंट भी आ चुकी है, तो जो कुछ भी हम लोगों ने इन दो स्कीम से सीखा है, ओके, 1.0 एंड 2.0 से, उस चीज को हम इसमें अप्लाई करेंगे, जो भी इसमें गलतियां रही हैं उनको अवॉइड करने की कोशिश करेंगे, और कैसे ये इस सिचुएशन को ओवरकम करने में हेल्प कर सकता है, जो एक कंडीशंस आ गई है, हार्श कंडीशंस आ गई है COVID-19 पैंडेमिक की वजह से। ओके, एंड जो भी बैलेंस जो स्पेंड नहीं हो पाया था PMKVY 2.0 में, उसको 3.0 में यूटिलाइज किया जाएगा, ठीक है, यूटिलाइज कर सकते हैं उसको।
अब ये प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना है क्या? देखिए, ये लॉन्च हुई थी 2015 में। ये मैंने आपको पहले भी बताया, इट्स एम इज टू प्रोवाइड स्किल ट्रेनिंग टू यूथ। ठीक है, ट्रेनिंग प्रोवाइड करना, स्किल ट्रेनिंग प्रोवाइड करना किसे? हमारी यूथ को, युवा पीढ़ी को। किस मिनिस्ट्री के अंडर आता है ये? स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। ठीक है, अभी इसके दो फेज तो पूरे हो गए हैं। जो फर्स्ट था वो था 2015 से 2016, एंड सेकेंड वॉज फ्रॉम 2016 टू 2020, और थर्ड अभी स्टार्ट हुआ है। ओके, अभी एक टर्म आई थी कि इसके अंदर शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी एंड रिकॉग्निशन ऑफ प्रायर लर्निंग। ठीक है, भी रिकॉग्निशन ऑफ प्रायर लर्निंग है क्या? जो जितने भी स्किल जो हमारे यूथ है उनको जो दिया जाएगा एक रिकॉग्निशन। देखिए, ये भी आता है प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंडर। ठीक है, टू अलाइन कॉम्पिटेंसीज ऑफ अनरेगुलेटेड सेक्टर्स विद द नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क। अब देखिए, नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क है क्या? इट ऑर्गेनाइजेस क्वालिफिकेशन अकॉर्डिंग टू लेवल्स ऑफ नॉलेज, स्किल एंड एप्टीट्यूड। देखिए, आपको क्या है कि आगे फर्दर आपको ईज हो जाए, ज्यादा आपको डिफिकल्टी ना आए आपको जॉब या फिर कोई भी आगे आपको कुछ भी फर्दर परस्यू करना है, तो ये नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क क्या करता है? आपके नॉलेज और स्किल के अकॉर्डिंग, ठीक है, क्वालिफिकेशन को ऑर्गेनाइज कर देता है। ओके, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो हमारे इनफॉर्मल सेक्टर्स, बेसिकली अनरेगुलेटेड सेक्टर्स हैं, उनको इम्प्रोवाइज करने के लिए। ओके, चांस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट एंड मोर ऑप्शंस फॉर हायर एजुकेशन। ठीक है, चांस हो जाएगा एम्प्लॉयमेंट के लिए एंड हायर एजुकेशन में भी ईज होगा बच्चों के लिए। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज आएंगी। देन इट रिड्यूसेस इनइक्वालिटीज ड्यू टू प्रिविलेजेस गिवन टू सम टाइप ऑफ स्किल्स एंड नॉलेज। ठीक है, देखिए क्या है ना कि अभी क्या है कि कुछ ही स्किल्स को हम लोग या कुछ ही नॉलेज को हम लोग ज्यादा इंपॉर्टेंस दे देते हैं, तो उन इक्वालिटीज को ये रिड्यूस करेगा। ओके, नीड क्या है? ह्यूज सेक्शन ऑफ पीपल गेट स्किल्स एंड नॉलेज बाय ट्रेनिंग और वर्किंग अंडर पीपल थ्रू इनफॉर्मल सेटअप। ठीक है, क्या होता है कि कुछ जो लोग हैं, ज्यादातर जो लोग हैं वो नॉलेज या स्किल जो इनफॉर्मल जो सेटअप है उनके अंडर प्रोवाइड करते हैं। दे गेट जॉब बट आर अनेबल टू इम्प्रूव देयर स्किल्स। ठीक है, उनको जॉब तो मिल पाती है लेकिन वो अपने स्किल्स को इम्प्रूव नहीं कर पाते, जिसकी वजह से क्या होता है, प्रोडक्टिविटी इफेक्ट होती है एंड क्वालिटी भी इफेक्ट होती है। ओके, एंड विद द हेल्प ऑफ दिस पीपल कैन गो फॉर हायर स्किल्स फॉर प्रोफेशनल ग्रोथ। ओके, लोग क्या करेंगे, इसकी हेल्प से प्रोफेशनली ग्रो कर पाएंगे। ठीक है, इजी हो जाएगा जॉब अपॉर्चुनिटीज के लिए या एजुकेशन सेक्टर के लिए। ओके, आई होप इट इज क्लियर टू यू। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और मिलते हैं आने वाली वीडियोस में।